20 जन छात्र दिवस उपलक्ष्य में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पार्वती मेमोरियल स्कूल से आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय गीत की धुन Thank you.
अकल जो चढ़ गया सूली पर, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, पूरे पूरे देश का वो है बलिदान, हमारी तरफ से उनको सलाम। बहुत बढ़िया। प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। एक महान सभ्यता जहां मिट्टी की सोना थी और दिलों के दरवाजे और मेहमान के लिए खुले थे, इन्हीं दरवाजों से इनको सारे कुछ क्रूर शैतानी आते थे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी रात, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी पाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। जरूर लेकर आना, दरबार सिंह जी के लिए और सभी के लिए रखी है। वैसे अब आप घर कब आओगे? अच्छा जी, तो हमारी लाई हुई चूड़ियां पहनी है, अब तो वापसी लेट ही होगी।
भाई हम देश के सैनिक जवान हैं, बॉर्डर भी हमारा घर बन चुका है। जय हिंद जय हिंद। पापा 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 आप जा रहे हो? कहाँ बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ आपके पास, आप जब भी आवाज दोगे ना तो मैं आ जाऊंगा। पापा आप दिवाली से पहले आ जाना ना, इस बार साथ मनाएंगे दिवाली। हाँ बच्चा आ जाऊंगा। भैया इस बार राखी पर कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भैया, और अगर आप मेरी शादी में नहीं आना तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम दोनों बहनों का बस चले ना तो मुझे जाने ही ना दो। नहीं भैया, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। हाँ भैया आपको आना ही पड़ेगा। अरे हाँ आ जाऊंगा, चलो मैं चलता हूँ, ख्याल रखना तुम। यार इस बार का घर से चिट्ठी नहीं आई। हाँ यार मेरी उल्टी का भी लेटर नहीं आया। अम्मी अब्बू ने तो भेजा ही होगा। वो चिट्ठी आ गई, घर से संदेशा आया है। जल्दी घर आना जनाब, आपके बहुत याद आ रही। और ये आपकी बेटी, दिवाली पर पापा आएंगे पापा आएंगे कह कह के परेशान कर दिया है। बहुत शानदार प्रस्तुति माँ पार्वती।